राम राम दोस्तों, नरेंद्र फार्मिंग में आपका स्वागत है भाई। आज आप ना दिखावांगे भाई खेती के साथ साथ मुर्गी पालन का व्यवसाय। राम राम जी। राम। अपना नाम बताओ जी। उगम सिंह नौरंगाबाद। उगम सिंह नौरंगाबाद। तो आपने खेती के साथ साथ मुर्गी फार्म का व्यवसाय भाई क्यों चुना? ठाली पड़े रहने अपना मनाली जगह इसमें खाई पी जा रही जा है। अच्छा, हम तो ये 10-20 ले आए थे। अच्छा, ये भी तो होगी 150-200 ये अपने। ठीक। अच्छा, आपने 10-20 मुर्गियों से शुरुआत करी थी। हाँ हाँ। अच्छा, तो कितने के हिसाब से ले आए आप ये मुर्गी? ये तुम सीधी सीधी ले आए थे, कैया पर ले आए थे थोड़ी, जब ठीक बा मठियाई थी माता गर्मी में। अच्छा, 400-500 रुपये मुर्गी। अच्छा, तो अब ये इन कितने बद गए, कितनी होगी ये? ये हमारा 200-250 हो गए। अच्छा, कौन सी नस्ल की मुर्गी है ये? कुछ कड़कनाथ, 2-3 डाल की मुर्गी है, कड़कनाथ भी हैं। हाँ। असील भी हैं, देसी भी। अच्छा, तो ये देखो भाई, मतलब खेती के साथ साथ इन्होंने भाई अपना मुर्गी फार्म का छोटा सा मतलब व्यवसाय शुरू किया है भाई। तो आप खाने में क्या देते हो इनको? इनको अपना खेती का बाजरा खुआ, दलिया बना दें गेहूँ का। अच्छा, बस ये चारा और बाकी बरसम गेर दें और हरी चारा और कुछ हो जाए और डाल दें। ठीक। ये भाई ये देखो, ये इनके खेत हैं भाई। इन खेतों में बाजरा होता है भाई, ज्वार होती है, मतलब यहीं से पैदा होता है भाई, वही सामान इनके आगे भाई इनको खिलाया जाता है। तो आप इनको मतलब अपने खेतों में खुला भी छोड़ देते हो क्या? हाँ, खुला छोड़ देते हैं। राम रास्ता जब घास 3 महीने इनको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब तो ये बस मेरा जंगल का ही खाते, साटी हो जाए, वो घास हरिया हो जाए, वो खाई जा छके रहे। अच्छा, जो भी कुछ मतलब अपने खेत में हो। हाँ हाँ। आपके पास कितनी एकड़ ज़मीन है? ये पूरा ये 12 किले हैं, इनने बना दिया अपना। इनके भाई पास 12 एकड़ ज़मीन है भाई। तो ये इन मुर्गियों को भाई उसमें खुला छोड़ देते हैं और वहाँ पर मतलब अपना देसी तरीके से भाई इनका खाना पीना होता है। तो आप भाई इनके अंडे बेचते हो या मुर्गी बेचते हो? इनके मुर्गे बेचते हैं। अच्छा, मुर्गे बेचते हो। तो एक मुर्गा कितने दिन में तैयार होता है? एक मुर्गा 3-4 महीने में तैयार हो जाता है, 3 किलो का। अच्छा, 3-4 महीनों में 3 किलो का मुर्गा तैयार हो जाता है। हाँ। तो एक मुर्गे पर भाई कितना खर्चा आ जाता है? बस इतना खर्चा नहीं आता है, क्यों जंगल में रहा। हाँ, मतलब खुद का खेत है, खुद का सारा सौदा, घर वाला है सारा सौदा। अच्छा अच्छा, ठीक। तो भाई एक मतलब 3 किलो का मुर्गा कितने रुपए में बेचते हो भाई? एक 3 किलो का मुर्गा 2.5 का बेच जाता है, 2200 का, 2000 का बेच जाए। अच्छा, ठीक। असील मुर्गा। तो भाई ये देखो, ये भाई 40-50 मुर्गी ले आए थे भाई, अब इनके पास 200-250 मुर्गी हैं। इन्होंने मतलब खेती के साथ साथ अपना छोटा सा मुर्गी फार्म शुरू किया है, अभी शुरुआत करी है। इसके साथ साथ अलग आगे मतलब इसको बढ़ाते जाएंगे। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि ये खेती के साथ साथ ये लोगों को ये व्यवसाय साथ में करना चाहिए? करना चाहिए, इसमें कमाई से खूब अपनी ज़मींदार के साथ में इसमें को सुबह शाम खोल देते हैं इनको। हाँ। 2 घंटे फिर रोक देते हैं। अच्छा, इसमें फुल कमाई से फ़ायदा है इसमें। ठीक। ये देखो भाई,
ये कौन सी नस्ल के हैं? ये कड़कनाथ काले वाले। ये भाई काले वाले कड़कनाथ हैं भाई, ये देखो। तो जो भी ये इनकी खाद है उसका क्या करते हो तुम? खाद ये अपनी फसल में कच्ची कर लेते हैं, गड़ा कर अपने खेतों में डाल दिया। अच्छा, खेतों में डाल देते हो। चलो, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे कि भाई उनको ये मतलब साथ साथ में व्यवसाय करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। ठीक, तो आपका जानकारी देने का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें।